नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। सो आज 14 जून 2022 जेठवन। अभी आज का जो हम सुत्ता लेने वाले हैं, बहुत सारा रिपीटेशन रहेगा इसमें। ये जो है हम लोग आज ये जो आपके पास, आपने सब लोगों ने लिया है, सबके पास है ये, ओके। किसी को चाहिए तो ये ले सकते हैं, एक्स्ट्रा है यहाँ पे कॉपी। किसी के पास नहीं है, सबके पास है ना ये कॉपी। अगर किसी को चाहिए, आप लोग को चाहिए तो आप ले सकते हैं ये कॉपी। आप ये जो है सुत्ता जो है ये हम अभी तक मध्यमा निकाय से लिया था सुत्ता। अभी ये जो सुत्ता है हमने लिया है संयुक्त निकाय से। इसके अंदर जो बुद्ध है, जो पहली बार पच्चीता समुपादा के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में, तो ये बहुत सारा रिपीटेशन रहेगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। और ये जो आपका 12 लिंग का है, 7 लिंग का नहीं, 12 लिंग का, आप पीछे मुड़े, हाँ, तो इसमें क्या है, 12 लिंक है, वो 12 लिंक का आपको देखना है। हम पूरे जो सुत्ता के अंदर बुद्ध ने जो बताया है, किस तरह से उनको इसके बारे में उन्होंने विचार किया है, जब वो बोधिसत्व थे तब उन्होंने विचार किया है इसके लिए। ये है संयुक्त निकाय 12.5। इसको ये जो सुत्ता है इसका नाम है सीखी सुत्ता। तो ये सीखी सूत्रा के अंदर जब वो बुद्ध जब बोधिसत्व थे तो उसके बारे में उन्होंने विचार किया। और ये जो है पहला जो है प्रारंभ आता है, स्टार्ट आता है, ओरिजिनेशन, उसके बाद में सिसेशन या अंत या समाप्ति, ये इसके बारे में। तो भिक्षु मेरे ज्ञानोदय से पहले जब मैं अभी भी एक बोधिसत्व था, अभी तक पूरी तरह से प्रबुद्ध नहीं था, मेरे साथ यह हुआ। यह दुनिया मुसीबत में है, मुसीबत में पड़ गई है। कोई यहाँ पैदा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है और पुनर्जन्म होता है, फिर भी यहाँ इस पीड़ा से बचने की समझ ज्ञान नहीं है, जिसकी शुरुआत बूढ़ा होने और मृत्यु से है। मीन्स जब आप बूढ़ा होते हैं, मृत्यु होते हैं, फिर आपका पुनर्जन्म होता है, तो इस तरह से आपका चलते रहता है। अब इस पीड़ा से बचने की पहचान कब होनी होगी? तो अभी जब वो बोधिसत्व है तब वो सोच रहे हैं कि आप अभी ये जो दुनिया है इसके अंदर क्या होता है कि आपका जन्म होता है, आप बूढ़े होते हैं, आपका मृत्यु होता है, फिर से पुनर्जन्म होता है, फिर से वही चीज़ जो चक्र, काल चक्र जो बोलते हैं, या संसारा बोलते हैं, या प्रपंच बोलते हैं, तो वो चीज़ निरंतर चल रही है। इसके बारे में मैंने 2-3 बार आप लोगों से बात की कि किस तरह से ये आपका चक्र चल रहा है और चलते ही जा रहा है, तो इसका किस तरह से ज्ञान या समझ वो प्राप्त करें, उसके बारे में सोचा है। और इसी तरह से सारे बुद्ध को ये ख्याल आता है कि ये जो प्रपंच है, ये दुनिया है, जो ये संसारा है, वो उसके अंदर क्या होता है, आदमी पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर से पैदा होता है, और इसका मतलब क्या है, इसका अंत कैसे आएगा, इस चक्र का अंत कैसे आएगा। हम यहाँ पे जो आपको टेक्निक सिखा रहे हैं वो इसका अंत करने के लिए है। इसके अंदर आपका जो छोटा अंत होता है वो है आपका जो विचार अभी उठा है, उसको आप अंत करते हैं, आप पहचानते हैं उसको, उसे रहने देते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं और आप वापस आते हैं। तो उस विचार का आप वहाँ पे छोड़ देते हैं, उससे विचार का जो चक्र है, उस विचार का चक्र को आप छोड़ते हैं, तो एक छोटा आपका जो है आपको एक ये संसारा का जो एक पार्ट है, क्योंकि एक जो आपका विचार आता है वो ही विचार से पूरा आपका एक्शन होता है, जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य से आपका जीवन होता है, उस जीवन से आपका पुनर्जीवन होता है, और वो पुनर्जीवन से फिर से पुनर्जीवन होता है, तो उस तरह से ये चक्र चलते रहता है। तो आप ये जो आप सही प्रयास हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सही प्रयास से आप आगे जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, फिर भिक्खुओं मैंने ऐसा सोचा,
जब क्या होता है तो जरा मरण मीन्स बुढ़ापा मृत्यु होती है। बुढ़ापा और मृत्यु किसके आधार पे होती है? फिर वो ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब जन्म होता है तो बुढ़ापा मृत्यु होती है। बुढ़ापा और मृत्यु का आधार जन्म होता है। तो जन्म हम यहाँ पे जो आपका ये दिया है उसके अंदर आप देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, जन्म कार्य कर्म का जन्म। ओके, तो कोई भी कार्य या जो आप एक्शन करते हैं जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बर्थ ऑफ एक्शन, सो वो भी एक एक तरीके से हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये प्रेजेंट के मोमेंट में देखते हैं। और बुद्ध जो बता रहे हैं वो बड़े अपना जन्म और मृत्यु के हिसाब से वो बड़ा जो उन लोग मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो व्यू बता रहे हैं, मीन्स बड़ा व्यू आपको बता रहे हैं। और हम यहाँ पे मेडिटेशन में आपका जो विचारों के हिसाब से, तो विचारों का जन्म या आपका जन्म होता है, जब भी जन्म होता है तभी क्या पॉसिबल है, जन्म होता है तो क्या पॉसिबल है, मृत्यु पॉसिबल है। अगर आपका जन्म ही नहीं हो तो मृत्यु हो सकती है नहीं। तो इसका कारण क्या है, उन्होंने बोला कि जन्म के कारण ही बुढ़ापा और मृत्यु होती है। बुढ़ापा और मृत्यु का जो है जन्म के बगैर ये होना संभव नहीं है। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो जन्म होते हैं, जन्म किसके आधार पे होता है? फिर भिक्खु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब भव मीन्स आदतन प्रक्रिया, हमारा सोचने का आदतन प्रक्रिया जो होती है, या जो भव बोलते हैं, भव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे मेडिटेशन के हिसाब से हमने इसको एक प्रैक्टिकल हिसाब से आदत का प्रक्रिया, जब भव होता है तब जन्म होता है, जब आपकी एक आदत होती है तब वो आदत के हिसाब से आपका विचार आता है। अभी कुछ होता है तो आपके आदत है इस तरह से आप कार्य करेंगे, तो आपका कार्य का शुरुआत आपके आदतों के हिसाब से आप करते हैं। तो जन्म होता है, जन्म का आधार भव होता है। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो भव होता है, भव किसके आधार पे होता है? फिर भिक्खु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब उपादान मीन्स चिपकाव, ओके, जब उपादान होता है तो भव होता है। जन्म का आधार उपादान होता है मीन्स कि आपका जो चिपकाव किसी चीज़ पे रहेगा वो किस तरह से आता है, हर एक जस्टिफिकेशन आता है कि मुझे ये चीज़ क्यों पसंद है या क्यों नहीं पसंद है। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपको आप बोलेंगे कि ये अच्छा है, ठंडा है, गर्मी में आपको पसंद है। फिर अगर नहीं पसंद रहेगा तो बोलेंगे कि ये बहुत मीठा है, ठंडा है, दांत में दर्द होता है, शुगर खाना अच्छा नहीं है। तो ये सारे अपने क्या रहते हैं, चिपकाव रहते हैं, पसंद का भी चिपकाव रहता है, नापसंद का भी चिपकाव रहता है, हर एक चीज़ का हमारे मन में एक चिपकाव रहता है। तो वो चिपकाव किस तरह से आता है, सारे जस्टिफिकेशन के हिसाब से आता है, जिसका हमें कोई चीज़ पसंद है या क्यों नहीं पसंद है। जन्म का आधार उपादान चिपकाव होता है। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो उपादान चिपकाव होता है, उपादान किसके आधार पे होता है? फिर भिक्खु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब तन्हा या तृष्णा होती है तो उपादान चिपकाव होता है, चिपकाव का आधार तृष्णा होता है। तो जब आपके पास में कोई चीज़ को चिपकाव आप के लिए, उसके लिए पहले क्या होता है, आपका तन्हा या बोलेंगे कि तृष्णा होती है, या आपको क्रेविंग इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्रेविंग होगा तो फिर आप क्रेविंग दोनों प्रकार का, आई लाइक इट, मुझे पसंद है, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद है, ये दोनों तरफ का क्रेविंग हो सकता है। तो आपको चाहिए वो भी एक आपका जो चिपकाव है, आपको नहीं चाहिए वो भी, तो उसके बारे में सारा जस्टिफिकेशन फिर होगा। तो आपका जो इसके अंदर क्या कहा गया है कि तो चिपकाव होता है, चिपकाव का आधार तृष्णा होती है। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो
तृष्णा होती है। तृष्णा किसके आधार पे होती है? फिर भिक्षुओं ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। तो आपको याद ये देखना चाहिए कि उन्होंने ध्यान से सोचने पे मुझे ज्ञान की सफलता मिली, मीन्स उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कंटेम्पलेशन किया, उसका उसके उसके बारे में सोचा और उन्होंने अपना मेडिटेशन के द्वारा उनको ये पता चला कि क्या है। तो उनको भी ये प्रयास करना पड़ा मेडिटेशन के द्वारा और उनको ये जो चीज़ें हैं उनके बारे में उनको ज्ञान होता है। जब वेदना ध्यान भिक्खु ध्यान से सोच सफलता मुझे मिली, जब वेदना होता है तो तृष्णा होता है, तणहा या तृष्णा का आधार वेदना या संवेदना होता है। तो अभी क्या होगा कि अगर आपके अंदर संवेदना होती है तो आपको क्या संवेदना आपको पसंद रहती है या ना पसंद रहती है? तो अगर समझो आपने एक सिल्क का कोई कपड़ा पहना तो आपको क्या है वो अच्छा आपको लगेगा, तो आपको क्या बोलेंगे मेरे को वो ये पसंद है। या फिर एक आपने कोई रफ कपड़ा पहना तो आपको क्या लगेगा अरे ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि आपका जो ये होता है क्या बोलते हैं वेदना या संवेदना शरीर में होती है, तो वो संवेदना आपको पसंद है या ना पसंद है आप बोलते हैं। जब आपको बोलते हैं कि मुझे पसंद है नहीं पसंद है तो उसके बारे में आप सोचते हैं, उसके बारे में जस्टिफिकेशन देते हैं कि मुझे क्यों पसंद है क्यों नहीं पसंद है। वो उससे क्या होता है आपके आदतन, समझो आपको कोई आइसक्रीम का एक कप देता है तो आप खाते हैं उसको या फिर उसे दूसरों को दे देते हैं या आप उसको साइड में कर लेते हैं, तो ये आपकी आदत हो गई। तो अगर वो आदत से क्या होता है कार्य का जन्म होता है, कार्य का जन्म क्या है कि खाना है होता है या फिर छोड़ देना होता है, या फिर उसका अगर जन्म होता है कार्य का जन्म होता है तो उसका कार्य का अंत होता है। तो आपने अगर उसको दे दिया तो उसका वो वहाँ पे अंत हो गया, अगर आपने खाया तो खाने के बाद वो अंत हो गया, तो उसका हर एक चीज़ का जो है जो उसका शुरुआत होता है उसका अंत होता है। अभी ये जो अभी तक जो बताया गया है वो आपको समझने के लिए आसान रहेगा, इसके बाद में जो स्थितियाँ के बारे में बताया गया है वो थोड़ा फिलोसॉफिकल है या थोड़ा आपको एडवांस है, तो भी हम उसके बारे में हम एक के बाद एक उसका लेंगे। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो वेदना होती है, वेदना किसके आधार पे होती है? फिर भिक्खु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली, जब फस मीन्स स्पर्श होता है तो वेदना होती है, वेदना या स्पर्श का आधार फस या सॉरी वेदना या संवेदना का आधार स्पर्श या फस होता है। अभी ये स्पर्श क्या है, किसका स्पर्श है? ये जो स्पर्श है हमारे इंद्रियों का किसी उसके इंद्रिय वस्तु से होना और उसके कॉन्शियसनेस उसको क्या बोलेंगे विज्ञान का उत्पन्न होना। जैसे आपके आंखें हैं और एक वस्तु है, आप वो वस्तु को ये मींस आंखें आपके वर्किंग आंखें हैं लाइट है और आपने ये एक वस्तु को देखा, उस वस्तु पे आपका आंख गया तो आपका जो विज्ञान है कॉन्शियसनेस है उसका ये हुआ स्टार्ट हुआ। तो ये तीन चीज़ों का मिलना इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट या स्पर्श बोलते हैं। तो इस स्पर्श से आपको वेदना का अनुभव होता है। तो आपके पास में अगर आपका वर्किंग कान है और कोई आवाज़ है, आवाज़ से साथ में ये जुड़ता है तो आपका कान का जो है कॉन्शियसनेस वो जागता है विज्ञान, तो कान का विज्ञान जागता है। उस तरह से नाक है और सुगंध है उसका दोनों का होते हैं, नाक का विज्ञान जागता है, फिर जीभ है और स्वाद है, स्वाद का जीभ के साथ में मिलता है तो जीभ का विज्ञान चालू होता है, वो एक स्पर्श होता है। आपका शरीर है और कोई ठोस चीज़ है उसके साथ में आपका संबंध होता है तब आपका जो शरीर का जो विज्ञान है जो स्पर्श का विज्ञान है वो आता है, फिर वहाँ पे एक स्पर्श होता है। फिर आपका मन है और सोच है उसके साथ में आपका ये होता है तो मन का विज्ञान जागता है और वहाँ पे स्पर्श होता है। तो आपका सोच से भी आपका स्पर्श तैयार होता है, कोई आप देखने से सुनने से सूंघने से स्वाद लेने से कोई चीज़ को आप टच करने से या कोई चीज़ का जो
क्या बोलते हैं विचार से, ये सारे चीज़ से स्पर्श आता है। जो भी अगर विचार से जो भी आपका उस समय पे एक आपका दृष्टिकोण रहता है, पर्सपेक्टिव, उस दृष्टिकोण के अंदर आपका हिस्ट्री है। जैसे आपने पहले जितने भी आपने टाइम आपने बिताया है उसके दौरान आपके साथ में कुछ संबंध हुए, कुछ ऐसे जो भी आपके साथ में हुआ है या अनुभव किया है, उसका वहाँ पे एक लाइब्रेरी की तरह है। तो आपको जो स्पर्श होता है उसके साथ में जो वेदना होती है, जब वेदना के समय पे एक पर्सपेक्टिव रहता है तो उसके बेसिस पे आपको इसको पसंद है या नापसंद आता है। तो उसके हिसाब से तृष्णा आती है, तृष्णा के हिसाब से चिपकाव आता है, चिपकाव के हिसाब से जन्म होता है कार्य का, कार्य का जो हैबिट होता है आपका भावना जो है, और उसके बाद में हैबिट से जन्म होता है कार्य का, कार्य का जन्म होता है तो उसका मृत्यु होता है। तो उसको आपको ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है बहुत ही सूक्ष्म है, ये पार्ट मेडिटेशन में देखना बहुत ही मुश्किल है, मगर आप अगर इस तरह से आप मेडिटेशन करते रहेंगे तो बहुत सारे साधकों ने ये पार्ट भी देखते हैं अपने साधना में। फिर भिक्षु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो स्पर्श होता है, स्पर्श किसके आधार पे होता है? फिर भिक्षु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली, जब छह इंद्रियां होती है तो स्पर्श होता है, स्पर्श का आधार छह इंद्रियां है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी स्पर्श होने के लिए आपको इंद्रियों का जरूरत रहेगा, और ये छह इंद्रियां क्या है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, शरीर है और मन है। ओके, ये छह इंद्रियां हैं आपने, तो ये छह इंद्रियों का होने पे ही आप ये स्पर्श कर सकते हैं ना। अगर आपका समझो यहाँ पे कोई देखने की चीज़ है, कोई सुनने के लिए आवाज़ है, सूंघने के लिए कोई गंध है, आपको कोई स्वाद है यहाँ पे, और ये कोई आपको छूने के लिए कोई वस्तु है और कोई विचार है, मगर वो इंद्रियां ही नहीं है उसके लिए, तो उसका उत्पाद आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप छह इंद्रियां हैं तो ही आप उसका स्पर्श का जो है आप अनुभव कर सकते हैं। अगर छह इंद्रियां ना हो तो इसका स्पर्श का अनुभव संभव नहीं है। फिर हाँ, तो कोई भी एक चीज़ ना रहने पे वो अनुभव नहीं कर सकते। जैसे आँख हो और आप अंधेरे कमरे में हैं तो फिर आप कोई चीज़ नहीं देख सकते हैं। अगर आप साउंड प्रूफ कमरे में हैं तो साउंड ही नहीं है वहाँ पे, तो आप कान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अंधा हो बहरा हो तो भी, तो उस तरह से। फिर भिक्षु मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो छः इंद्रियाँ होती हैं, छह इंद्रियों की किसके आधार पे होते हैं? फिर भिक्षु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली, जब नाम रूप मन और शरीर होता है तो छह इंद्रियां होती है, छह इंद्रियों का आधार नाम रूप या मन और शरीर होता है। तो मन और शरीर का मतलब क्या है कि जो आपका माइंड है एंड बॉडी, वो भी कहते हैं माइंड एंड बॉडी, या मेंटालिटी मटेरियलिटी, उस तरह से आपको इंग्लिश में दो तरीके से इसका अनुवाद किया जाता है, मींस मानसिकता और जो कठोरता। तो जो भी चीज़ आपकी मटेरियल है वो मटेरियल के अंदर क्या आ जाता है, चार जो है मूलभूत ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि आपको क्या है आपका अर्थ, अर्थ मीन्स धरती, वाटर मीन्स पानी, अग्नि और आपका हवा, हवा क्या बोले, हवा बोलेंगे, वायु, वायु वायु बोल सकते हैं। एयर, तो ये चार जो चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें हर एक चीज़ में रहती हैं। जैसे आप पानी का एक उदाहरण ले लें, तो आप कब पूछेंगे कि पानी में अभी ये अर्थ कैसे आ गया, तो मगर क्या रहता है उसके अंदर सॉलिड पन रहता है। अगर आप पानी में अगर आप जोर से हाथ मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो आपको लगता है हाथ में, तो उसके अंदर सॉलिडिटी है। पानी को आप फ्रिज में डाल देंगे तो वो सॉलिड एक पीस हो जाएगा, तो पानी के अंदर भी सॉलिडिटी का अक्ष है।
उसके अंदर आप पानी में हाथ डालेंगे तो उसका क्या टेम्परेचर आता है, तो उसके अंदर भी आग का अक्ष है। इसके अंदर जो फ्लो रहता है, वो फ्लोइंग रहता है पानी, तब वो उसका वायु का भी उसके अंदर प्रॉपर्टी रहती है। तो हर एक चीज़ में हर एक का प्रॉपर्टी रहती है, मगर कितने हिसाब से रहती है उस हिसाब से आपको ये फर्क पड़ता है कि क्या चीज़ क्या आपको अनुभव कब हो रही है। तो अभी इसके अंदर आपको ये जो है इसके अंदर बहुत सारा डीप मीनिंग भी है, मगर हमको इतना ही समझना है कि क्योंकि हमारे पास मन और शरीर है तभी हमारे पास छह इंद्रियां हैं। जब छह इंद्रियां हैं तभी हमारे स्पर्श होता है, जब छह स्पर्श होता है तभी हमारे अंदर मुझे पसंद है या नापसंद उसका एक उद्वय होता है या शुरुआत होती है। जब आपको ये पता चलता है कि मुझे पसंद है या नापसंद है, तब आप उसके बारे में जस्टिफिकेशन देते हैं, सोचते हैं कि मुझे क्यों पसंद है क्यों नापसंद है। जब आप ये इसका बारे में सोचते हैं तो आपका आदत काम करती है। तो अगर आपको ये होता है तो आप वो करते हैं, आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं उठ जाऊं तो आप उठ जाते हैं, आपके मन में ख्याल आता है मुझे अभी दर्द हुआ है तो मैं भागता हूं इधर उधर से, उठ जाता हूं और भागता हूं, मैं वॉकिंग मेडिटेशन करूंगा अभी। तो आप वो दर्द को आपका उसका जो असली ये जो है वो आप समझते नहीं हैं कि ये दर्द किस तरह से उसका ट्रूथ क्या है। तो अभी आपका जो आदत होती है तो एक्शन होता है। अगर आपका ऐसा है कि कभी आपने आपके मन में एक ख्याल आया उठ जाओ तो आप उठ जाते हैं, तो आप उठ जाते हैं, ये एक्शन बर्थ ऑफ एक्शन। एंड ऑफ एक्शन क्या है कि ये आपको फिर आपका जो ये आप उठ जाते हैं तो ये साइकिल का आपका अंत हो जाता है। फिर आपका जो रिग्रेट भी यही साइकिल में है, इसके अंदर डेथ के अंदर जो है क्या बोलते हैं आपके अंदर जो शोक परिदेव दुख दोमनस वो सारा चीज़ भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। फिर आप कभी सोचते हैं कि अरे मैं क्यों उठ गया था, मैं बैठ सकता था ज़्यादा, तो अभी वो भी आपका वहीं पे आता है क्योंकि एंड ऑफ द एक्शन के अंदर आपका रिग्रेट भी आता है, आपका जो भी पश्चाताप भी है वो भी वहीं पे आपको अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ें चालू होती हैं जब नाम रूप रहता है, मगर नाम रूप का क्या आधार है, तो वो सोचते हैं फिर देखो मैंने ऐसा सोचा। जब क्या होता है तो नाम रूप या मन और शरीर होता है, नाम रूप किसके आधार पे होता है, फिर भिक्खु ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब विज्ञान होता है तो नाम रूप होता है, नाम रूप का आधार विज्ञान होता है। सो अभी एक कॉन्शियसनेस है, सो अगर कॉन्शियसनेस रहेगा तब आपका मेंटेलिटी मटेरियलिटी पॉसिबल है, जब तक आपका कॉन्शियसनेस नहीं है तब वो पॉसिबल नहीं है, इसका वो अध्ययन करके वो बताते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसको उसका जो है ना अलग अलग नाम दिया जाता है, जो है अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर भिक्खुओ मैंने ऐसा सोचा, जब क्या होता है तो विज्ञान होता है, विज्ञान किसके आधार पे होता है, फिर भिक्खुओ ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान का की एक सफलता मिली। जब शंखारा होता है तो विज्ञान होता है। तो शंखारा क्या है, शंखारा का मतलब है जो हम लोग इंग्लिश में वायलेशनल फॉर्मेशंस बोलते हैं या ऐच्छिक संरचना, ऐच्छिक संरचना। तो संरचना क्या होती है कि कोई भी चीज़ को मिला के जो कोई चीज़ बनती है उसको संरचना बोलते हैं। जैसे आपको ये एक उदाहरण मैं कभी कभी देता हूँ, ये पेन का है, तो अगर ये पेन को अगर आप देखें तो ये अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है, ओके। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं मगर एक पेन कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे उसका कैप है, यहाँ पे निब है, यहाँ पे ये ट्यूब है इसका कैप और ये सारी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे पेन नहीं है। तो पेन कब होता है, जब ये सारी चीज़ों का मिलन होता है तब आपका पेन होता है। तो ये जो है वॉयलेशन का जो फॉर्मेशंस है, ये फॉर्मेशंस जब पॉसिबिलिटी होती है, जब आपका सारे कुछ चीज़ें आती हैं साथ में तभी आपका कॉन्शियसनेस पॉसिबल होता है, मगर ये इससे पहले क्या होता है ये भी आप जानना है। फिर भिक्खु मैंने ऐसा सोचा, क्या होता है तो
शंखारा होते हैं। शंखारा किससे आधार पे होती है? फिर विक्षोभ, ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब विज्ञान होता है तो संखारा होता है, सॉरी अविद्या होती है तो संखारा होता है। संखारा का आधार अविद्या या अज्ञान होता है। तो अज्ञान जब है ये शुरुआत है। हमारी जो आप चार्ट देखेंगे वहाँ पे शुरुआत से क्या बताया गया है कि अज्ञान अविद्या, तो अज्ञान से सारी शुरुआत होती है। जब ये अज्ञान होता है तो आपका सारी शुरुआत होती है। तो ये अज्ञान किस बारे में अज्ञान है? ये अज्ञान है कि चार जो आर्य सत्य है, जो सत्य है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका निवारण को पहुंचने का एक मार्ग है, अष्टांग का मार्ग जो बोलते हैं हम लोग, एट फोल्ड पाथ, वो है। उसका आपको ज्ञान नहीं होता। दूसरा क्या ज्ञान नहीं होता कि तीन जो मूलभूत फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, तो आपको मूलभूत जो स्थितियां हैं ये सत्य की, वो क्या है कि पहले तो वो अनित्य है, मीन्स सारी चीज़ें अनित्य है। अनित्यता के साथ में दुख आता है और इसको समझने के लिए क्या आता है? अनाथा, मीन्स अव्यक्तिगतपन। तो जब आपका अनित्य रहता है तो आपको दुख होता है। जैसे कोई भी चीज़ आपकी समझो आपको जो पसंद है वो आपसे छिन जाती है तो आपको क्या होता है? दुख होता है। जैसे कोई अच्छा सिटिंग भी होता है आपका मेडिटेशन में, अरे मेरा बहुत अच्छा सिटिंग हुआ, नेक्स्ट में अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है? आप उससे झगड़ा करते हैं, फिर आप व्याकुल हो जाते हैं, फिर उठ के वॉकिंग करने चले जाते हैं। ओके, तो ये होता है ना कि आपको जो अच्छा सिटिंग था वो निकल गया, तो क्योंकि अच्छा सिटिंग जो था आपका, अच्छा जो बैठक हुआ था, अच्छा अनुभव हुआ था, वो भी अनित्य है, तो वो जाता है तो आप क्या करते हैं? उससे झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते हैं तो क्या होता है? दुख पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। मगर आपको ये समझने के लिए क्या है? अनाथा है। अनाथा का मतलब क्या है कि ये मैं नहीं था, मेरा नहीं है, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माई सेल्फ। ये अंग्रेजी में बोलते हैं कि इट इज़ नॉट मी, इट इज़ नॉट माइन। तो ये मेरा नहीं था, ये मैं नहीं था। तो जो आपका विचार आता है आपके मन में वो भी अपने आप ही आता है। तो आपका मन के अंदर जो विचार आया उससे पहले आपने उस विचार के लिए आने के लिए क्या किया? तो आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता कि आपका विचार अपने आप ही आता है, अपने आप ही रहता है, अपने आप ही जाता है। और हमने मझीमा निकाय 111 के अंदर भी देखा, सारिपुत्ता ने जब सारी चीज़ों का अध्ययन किया तो सारे जाना के अंदर उन्होंने क्या देखा कि अपने आप ही सारे चीज़ें आ रही हैं, अपने आप ही रह रही है और अपने आप ही जा रही है। तो वो अनाथा भी है और ये अनिच्छा भी है, दोनों चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो आपको समझना चाहिए। तो इसका अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आपका सारा जो चक्र है ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसलिए कि बोलते हैं कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है, बट ये कॉजेशन नहीं, डिपेंडेंट कॉजेशन नहीं है। मीन्स क्या अविद्या होने पे ही आपको ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि दो चीज़ एक दूसरे के आधार पे है। इस तरह से जैसे आप घास का जो एक गुच्छा है, एक घास का गुच्छा दूसरे घास के गुच्छे से आप इस तरह से रखते हैं, एक दूसरे पे आधारित है। एक निकल जाने पे क्या होता है? दूसरा भी नहीं रह सकता। मगर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ दूसरे को उत्पन्न करती है या उसका जन्म करवाती है, वैसा नहीं है, वो आधारित है। इसलिए डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इसका कहा जाता है कि एक चीज़ जो है दूसरे पे आधारित है। तो उसके बारे में अभी नेक्स्ट जो है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो से समझ में आएगा। इस प्रकार जब अज्ञान होता है तो संखारा होता है, जब संखारा होता है तो विज्ञान होता है। तो ये पूरा जो चार्ट है आपको देखना है। और विज्ञान होता है तो मन और शरीर का होता है। अगर मन और शरीर होता है तो छह इंद्रियां होती है, छह इंद्रियां होती है तो स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो वेदना होती है, वेदना होता है तो तृष्णा होती है, तृष्णा होता है तो चिपकाव होता है, चिपकाव होता है तो आपका आदतन के जो एक्टिविटी है, भव जो आपकी आदत है वो यहाँ पे एक्टिवेट होती है। आदत होती है तो आपका जन्म होता है, किसका? कार्य का या कर्म का जन्म होता है।
जब कर्म का जन्म होता है तो वहाँ पे मरण, जरा मरण, शोक, परिदेव, दुख, दोमनस, वो सारा चीज़ें यहाँ पे होता है। तो एक एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ के आधार बनती है, मगर यहाँ पे अंत नहीं होता है। इस प्रकार उन्होंने कहा, इस प्रकार जब उत्पत्ति उत्पत्ति इस प्रकार बिखो, पहले जो अनसुनी थी उन चीज़ों को उन चीज़ों के संबंध में दृष्टि, ज्ञान, प्रज्ञा, सच्चा ज्ञान और प्रकाश उत्पत्र हुई थी। इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो अनसुनी थी, मीन्स ये जो ज्ञान बुद्ध को हुआ वो किसी से सुन के नहीं हुआ। बुद्ध को अपना रियलाइजेशन कब हुआ? अपना मेडिटेशन करने से वो जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति हुई। तो आपका भी ज्ञान जो है आप मुझसे सुनने से या बुद्ध के वचन सुनने से नहीं होगा। आपका भी ज्ञान आपके देखने से, आपके जो शरीर में, आपके मन में क्या हो रहा है वो देख के आपका ज्ञान आपका उत्पत्र होगा। तो ये सारा ज्ञान आपके अंदर ही है। तो ये ज्ञान जो था बुद्ध के अंदर ही है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले जो अनसुनी थी उन चीज़ों के संबंध में दृष्टि, ज्ञान, प्रज्ञा, सच्चा ज्ञान और प्रकाश उत्पत्र हुई। तो ये सारी चीज़ें का उत्पत्र कब हुआ? जब उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में मंथन किया, इसके बारे में कंटेम्पलेशन या सोचा उसके बारे में। तो अभी वो बता रहे हैं कि समाप्ति के बारे में बता रहे हैं, ये समाप्ति के बारे में बता रहे हैं बुद्ध। फिर बिखो मैंने ऐसा सोचा, जब क्या नहीं होता है तो बुढ़ापा मृत्यु नहीं होती है। बुढ़ापा और मृत्यु किससे समाप्ति पे आती है? फिर विखो ध्यान से सोचने पर मुझे ज्ञान की एक सफलता मिली। जब जन्म नहीं होता है तो बुढ़ापा मृत्यु नहीं होती है। बुढ़ापा और मृत्यु के समाप्ति पे जन्म नहीं होता है। सो इसी प्रकार उन्होंने सारे चीज़ों के बारे में सोचा। जब जन्म नहीं होता है तो जब भव नहीं होता है तो जन्म नहीं होता है। जब उपादान नहीं होता है तो भव नहीं होता है। तब तृष्णा नहीं होती है तो चिपकाव नहीं होता है। जब संवेदना नहीं होती है तो तृष्णा नहीं होती है। तब स्पर्श नहीं होता है तो संवेदना नहीं होती है। जब छह इंद्रियां नहीं होती है तो फस नहीं होती है, मीन्स स्पर्श नहीं होता है। जब नाम रूप नहीं होता है तो छह इंद्रियां नहीं होती हैं। जब विज्ञान नहीं होता है तो नाम रूप नहीं होता है। जब अज्ञान नहीं होता है तो संखारा नहीं होता है। तो जो अज्ञान अगर जब आपका अंत होगा तब आपका ये साइकिल का अंत होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये चार पायदान है। पहला है सोतापन्ना, फिर सकदागामी, अनागामी और अरहंत। तो जब अरहंत आप जब बनते हैं तब आपका पूरी तरह से जो अविद्या है वो खत्म होती है। जो अनागामी है उसके अंदर भी अभी तक अविद्या खत्म नहीं हुई है। तो जब आपका अरहंत आप होते हैं तो पूरी तरह से अविद्या खत्म होती है। इस प्रकार पूरी तरह से अविद्या के लुप्त होने और समाप्त होने के साथ संखारा समाप्त होता है। तो इस तरह से आप जब अविद्या समाप्त होता है तो फिर संखारा वो पूरी तरह से समाप्त होता है। तो ये पूरा जो है, जब आपका संखार नहीं रहता है तो विज्ञान नहीं पॉसिबल है। जब आपका मन और शरीर नाम रूपा नहीं है तो छह इंद्रियां नहीं पॉसिबल है। स्पर्श नहीं है तो संवेदना नहीं पॉसिबल है। तृष्णा नहीं है तो चिपकाव नहीं पॉसिबल है। जब भव नहीं है तो फिर जाति भी नहीं पॉसिबल है। जब जाति ही नहीं तो मरा, जरा मरण, शोक देव, परिदेव कोई भी पॉसिबल नहीं है। अभी इसके अंदर आपका मेडिटेशन के हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि आप किस जगह पे आपका मन जो है आपको पहचानना है। जैसे मैंने कहा कि आपका मन पूरी तरह भटक जाता है, उससे पहले क्या होता है आपको जानना है। तो इस चार्ट में आप देख के आप जान सकते हैं कि कहाँ पे आप जानते हैं। हर मीन्स अभी ज़्यादातर लोग कहाँ जानते हैं? जब आपका मन पूरी तरह भटक जाता है। तो आपने कब जाना? जब आपका जो कार्य का मृत्यु हो गई। आपका कार्य क्या था? आपके कल्याण मित्र को मेत्ता भेजना, उसका
खत्म हो गया, आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको पहचानते हैं तब, और फिर आप क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, रिहा करते हैं, रिलैक्स करते हैं, स्माइल करते हैं, वापस आते हैं। मगर जब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तो यहाँ से मन वहाँ पे जाता है, जब जन्म होता है उसका तभी आपको पता चलता है, और तभी वहाँ पे रिलैक्स करके स्माइल करके वापस आ जाते हैं। तो आपका जो विचारों तक वो मन जाता नहीं, या विचारों पे एक विचार से दूसरे, दूसरे से तीसरे विचार तक नहीं जाता है, तो तभी आपको पता चलता है, क्योंकि आपका जो देखने की शक्ति बढ़ती है। जब और देखने की शक्ति बढ़ती है तो जब आपका हैबिचुअल टेंडेंसी हो रहा है, मीन्स आपका जो आपका विचार मीन्स मन मीन्स हटने से पहले ही आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे मेरा मन अभी डगमगा रहा है, तभी आप रिलैक्स करते हैं और वहीं पे रहते हैं। फिर उसके बाद में आपको कब पता चलता है, जब आपका उपादान का स्टेज पे पता चलता है, या फिर आपको पता चलता है कि आपका जो है तृष्णा के स्टेज पे पता चला। तृष्णा किस तरह से आपको मन में और शरीर में आपको पता चलता है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, तृष्णा किस तरह से शरीर में आपको पता चलता है, चिपकाओ तो बाद में आता है, तृष्णा किस तरह पता चलता है शरीर में, संवेदनाओं से पहले आती है, चिपकाओ का आपको शरीर में किस तरह से आता है, मैंने नहीं तो भी 10 बार आई लाइक इट ना, शरीर में किस तरह से आपको महसूस होती है, वो बराबर है, मैंने नहीं तो भी 20 बार आप लोगों को बताया, इंडिविजुअली भी इंटरव्यू में बताया आपको बार बार, आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं मुझे पता चल रहा है, तनाव से स्ट्रेस, तो इसलिए हम रिलैक्स करने के लिए कहते हैं ना। तो जब आपका बहुत मन आपका साफ रहता है और आपको पता चलता है, शार्प रहता है, जब तनाव होता है तभी आपको पता चलता है कि यहाँ पे मुझे तनाव हुआ है, तब आप जाने देते हैं, तो आपका जो है चिपकाव का स्टेज ही नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ पे आधारित है, मगर आप ये आधार निकाल देंगे तो दूसरा चीज़ का जन्म होगा ही नहीं। जब आप ये तृष्णा के जगह पे आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा तनाव, अभी मैं तनाव आ रहा है मेरे मन में, तो आप तब छोड़ देते हैं और रिलैक्स करते हैं और स्माइल करके वहाँ पे रहते हैं, तो आपका मन हटता ही नहीं है, तो वहाँ पे स्थिर रहता है। तो ये आपको आपका जो समता जो है, समता आपको सुधारनी है, समता सुधारेंगे तभी विपसना सुधरेगी, और समता सुधारने के लिए क्या है कि आपका जो भी मन में ख्याल आता है उसके आप है ना गुलाम नहीं रहना है, आपको पहचानना है कि जो मन में ख्याल आ रहा है वो क्या है, वो अनाथा है, वो मैं रही हूँ मेरा नहीं है। आपको एक ख्याल आता है आप उठ के भाग जाते हैं इधर से, एक खाली विचार आता है और वो विचार आपका है या नहीं है वो भी आपको पता नहीं है। तो इसलिए अज्ञान से ही सारी चीज़ों का शुरुआत होती है। जैसे आप अपने मेडिटेशन में आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपका जो पता चलता है कि क्या इसका इस ये हकीकत है, क्या जो है ये जो सत्य है उसके बारे में पता चलता है। तो बुद्ध ने भी इसी तरह से एक के बाद एक पूरे सत्य को उन्होंने जाना, किस तरह जाना, देख के ही जाना। तो आपको भी उसी तरह से ही हम बता सकते हैं। तो वो ज्ञान जो था उन्होंने कभी किसी से सुना नहीं था, और उसका ज्ञान उनके अंदर उत्पन्न हुआ, तो वो ज्ञान जो है हम आपको दे नहीं सकते, बुद्ध भी दे नहीं सकते किसी को। पहले बार जब धम्म पत्र मीन्स जो उन्होंने प्रवचन दिया धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, तब के समय पे 5 उसके शिष्य थे, ओके, पहले 5 शिष्य, वो उनको देने पे सिर्फ कौंडिन्य का ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 4 लोगों को नहीं हुई ज्ञान की प्राप्ति। फिर उसके बाद में उन्होंने उनके साथ में कुछ समय बिताया, एक सूत्र के अंदर बताते हैं कि कभी वो 3 लोग जाते थे पिंडपात के लिए, कभी 2 लोग पिंडपात के लिए जाते थे, और सबके लिए खाना लेके आते थे, उस खाने से वो लोग खाते थे। फिर उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, सिखाया, और उसके बाद में वो 5 अरहंत हुए। सो ऐसा है कि आपके एफर्ट से ही आप जो है मुक्ति पा सकते हैं,
यहाँ से कुछ देने से आपको मुक्ति का प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये जो है इन्फॉर्मेशन जो या एक सूचना नहीं है, ये एक ज्ञान है या प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा आपको खुद ही जगानी है अपने अंदर। और वो प्रज्ञा किस तरह जगा सकते हैं, जैसे आपको कार्य दिया गया है उसको कार्यों को करना है। आप बोलते हैं कि एक घंटा बैठो, तो बोलते हैं नहीं मैंने 40 मिनट ही बैठा। क्यों? मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उठ जाऊं। और कितनी बार आया दिन का 6 घंटा बैठने के लिए आपको, मैंने यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से मैंने बताया ना, 6 घंटा आप बैठ सकते हैं। कहाँ है टाइम टेबल? तो टाइम टेबल के हिसाब से आप 6 घंटा यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये टाइम टेबल है ना आपका, 6 घंटा आप आराम से बैठ सकते हैं। ओके, तो ये 6 घंटे के अंदर आपने कितने बार बैठे होंगे? 5 बार, 6 बार। 6 बार में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने मन से सवाल किया। हर बार आपका मन का ख्याल आया तो आप उठे और चलते बने। तो वो ही है आपका मन का जो है, आपको सोचना है कि ये मन का जो ख्याल आ रहा है वो क्या मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्या अनित्य है या अनाता है, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। तो उस हिसाब से बुद्ध ने भी सोचा और उन्होंने ये बताया कि ये किस तरह से इसका पूरी तरह से अंत है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो है समाप्ति इस प्रकार, भिक्षुओं पहले जो अंत सुनी थी उन चीज़ों के बारे में, संबंध में दृष्टि, ज्ञान, प्रज्ञा, सच्चा ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न हुई। ओके, तो ये आपका जो है सूत्र का एंड है। साधु।